हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिंड्रोलॉजी टेक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सिद्धार्थ, आगे हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। एंड सबसे बड़ी बात, बहुत दिनों के बाद आया हूँ इस चैनल के अंदर आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते थे जहाँ पर मेरे को बोल रहा था बहुत सारे लोग कि हमारे डिवाइस के अंदर, जैसे कि रियलमी डिवाइस के अंदर, मतलब एक्चुअल ये जो वीडियो है ये रियलमी के डिवाइस के अंदर भी होगा और दूसरे फ़ोन के अंदर भी होगा। ये बेसिकली रियलमी यूज़र्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अपडेट करने के बाद या फ़ोन यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू हो रहा है। तो बैटरी ड्रेनिंग का जो इशू है मोबाइल बैटरी, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो मैंने सोचा, बहुत दिन से कुछ तो वीडियो नहीं बना रहा था, तो एक आइडिया मिल गया वीडियो का। सो हे गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हो सिंड्रोलॉजी टेक। शुरू करते हैं आज की कारवा। सो बेसिकली फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बैटरी यूजेज का। अगर गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा ऐप्स वगैरह यूज़ करते हो, तो बेसिकली आप अपने फ़ोन के अंदर बैटरी सेक्शन के अंदर जाओ, सेटिंग में मिल जाएगा। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा बैटरी एंड यूजेज, वहाँ पर जाओ। चले जाने के बाद आप पहले चेक करो कि कौन सा एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादातर बैटरी कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि अगर आप लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो ज़्यादातर बैटरी फेसबुक ले लेता है, इंस्टाग्राम ले लेता है। ओके, अगर आपको सॉल्विंग करना है ये वाला प्रॉब्लम को, बैटरी यूजेज में चेक कर लो। उसके बाद आप पहले उस एप्लीकेशन का क्लियर डेटा करो, क्लियर कैश करो, फोर्सफुली जो ऑफ जो डेटा वगैरह वो सब क्लियर कर दो। एक प्रॉब्लम है, लिटरली सबको पता है बट वो फिर भी करते हैं, वो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वाला ऑप्शन को ऑलवेज टर्न ऑन कर देना। वो जो ऑटो ब्राइटनेस है वो ज़्यादातर अच्छा काम करता है जब आप लोग आउटडोर में जा रहे हो, और अगर आपको नहीं करना वो सब प्रॉब्लम, जैसे कि सोच लो, मैं एक बार एग्जांपल में समझाता हूँ। सोच लो अगर मैं अभी बाइक से निकल रहा हूँ घर से, उसके बाद मेरे को सिग्नल में एक फ़ोन आया है, कॉल रिसीव करने के टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आता है क्योंकि स्क्रीन के अंदर कुछ नहीं दिख पाता उस टाइम, तो समझ में नहीं पाता ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ाओ, तब आप लोग ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी बोलूँगा, अगर आप लोग इंडोर कंडीशन में हो तो आप प्लीज़ उसको मैनुअल यूज़ करो। ये थोड़ा सा एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम हर लोग इग्नोर कर देते हैं। और अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट का, तीसरे पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के समय के अंदर। ज़्यादातर स्मार्टफोन 2022 और 23 के अंदर जितने भी लॉन्च हो रहे हैं, क्या हुआ है, वो सभी फ़ोन के अंदर अगले 6 महीने 8 महीने के बाद ऐसा मदरबोर्ड का इशू आ रहा है, बैटरी ड्रेनेज का इशू आ रहा है, वो मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल के समय के अंदर। एक टाइम ऐसा था जब अगर फ़ोन के अंदर अपडेट आता था तो तब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे एंड खुशी खुशी में सबसे पहले अपडेट कर लेते थे। बट मैं अभी बोलने वाला हूँ, प्लीज़ अपडेट करना बंद कर दो अपने फ़ोन को। अगर लॉन्ग टर्म तक आप अपने फ़ोन को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहते हो, तो प्लीज़ अभी से अपडेट करना बंद कर दो। मेजर बग फिक्स की अपडेट करो, सिस्टम अपडेट, एंड्रॉयड 13 से 14, 14 से 15, ऐसा करोगे ना, सबसे भयंकर प्रॉब्लम आएगा कब जानते हो, आपका फ़ोन पहले तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे कि मैं अभी रियलमी 10 प्रो प्लस से शूट कर रहा हूँ, ये फ़ोन जब आया था मार्केट में जनवरी महीने के अंदर आया था फ़ोन, ओके, आज है अप्रैल महीने। सबसे भयंकर प्रॉब्लम हुआ, ये जो लास्ट अपडेट आया है, लास्ट अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनेज का इशू बढ़ गया है, ओके। उसके बाद प्रॉब्लम आया है लैग इशू का, लिटरली बहुत ज़्यादातर कभी कभी ग्लिच होता है, लैग करते हैं फ़ोन। 25,000 दे के अगर फ़ोन के अंदर 6 महीने 4 महीने के बाद ही अगर हैंग इशू आ रहा है, तो सोच लो अपडेट कितना गंदा है। आई नो कैमरा के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे को भी पता है, अपने फ़ोन को लॉन्ग टर्म तक, वो बैटरी हो चाहे मदरबोर्ड हो या फ़ोन का हेल्थ हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपने फ़ोन को यूज़ करना है, तो जस्ट फ़ोन लेने के बाद 1 से 2 अपडेट करो, उसके बाद अपडेट करना बंद कर दो। और ये वाला जो बेसिक पॉइंट है, ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, क्यों बोलूँगा, ज़्यादातर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर बैटरी ड्रेनेज का इशू कम आता है, ठीक है, क्योंकि वो पिक्सल्स वगैरह सब ऑफ हो जाते हैं अगर आप लोग डार्क वॉलपेपर यूज़ करते हो। ये बहुत ही बेसिक और पुराना मेथड है, ये आप लोग डार्क वॉलपेपर लगाओ, इससे क्या होगा, आपका जो पिक्सल्स वगैरह है वो भी ऑफ रहेगा, बैटरी ड्रेनेज थोड़ा सा कम होगा। एंड हाँ, बहुत भयंकर तरीके से बैटरी ड्रेनेज हो रहा है, तो आपको पता है ये अभी समर का महीना है, समर के अंदर इंडिया और कोलकाता में तो जैसे राजस्थान होगा, ये इस साल कोलकाता पूरा राजस्थान जैसा लग रहा है, ठीक है, तो बहुत भयंकर गर्मी है, उसी कारण से भी बैटरी ड्रेनेज का इशू आ रहा है। एंड बहुत सारे लोगों, मैंने भी ट्विटर के अंदर देखा है, इतना गर्म है कि फ़ोन बोल रहा है कि अभी फ़ोन को साइड कर भाई, फ़ोन को ठंडा होने दे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका इन्वायरमेंट भी मैटर करता है आपका बैटरी ड्रेनेज का इशू के अंदर, ठीक है, समझ गए ना।
और अगर वीडियो को देख रहे हो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, फटाफट से क्लिक कर दो क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे दिल के बहुत पास है। मतलब सीधी बात, आप लोगों को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मेरा चैनल ग्रोथ होगा एंड आप लोगों को ज़्यादातर मैं मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस में दिखा पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जो बात करने वाला हूँ, हमारा जो पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग नाम का एक फीचर्स आईफोन के अंदर आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है आईफोन के सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है एक बैटरी एंड चार्जिंग वाला ऑप्शन, वहाँ पर जाके आप लोग बैटरी एंड चार्जिंग वाला ऑप्शन को टर्न ऑन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग ऑप्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलना देना चाहता हूँ, एप्पल डिवाइसेस के लिए अलग है एंड एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अलग है, ये मत सोच लेना सब कुछ सेम ही है, ठीक है। सिर्फ नाम अलग होने से कुछ काम अलग नहीं हो जाते। पहले तो बात ये है कि एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर स्मार्ट चार्जिंग नाम का एक ऑप्शन आता है जो आप लोगों को बैटरी ऑप्शन में ऑटोमेटिकली इनेबल्ड मिलेगा। जैसे कि मैं अभी रियलमी का 10 प्रो प्लस 5G यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर स्मार्ट चार्जिंग नाम का एक फीचर है। पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। सोच लो, एक एग्जांपल से आपको आप लोगों को समझाता हूँ। सोच लो रात के 12 बजे आप सोने को जा रहे हो, तो सोने के वक्त आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया है, तो लगा देने के बाद आप तो सो गए, बट उससे क्या होगा, आपका फ़ोन तो मैक्सिमम 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा पूरा 100%, बट बाकी के जब तक आप सुबह में सो के नहीं उठते तब तक फ़ोन ओवर चार्जिंग तो एक होगा ना, तो इसमें तो बैटरी प्रॉब्लम आएगा एंड बैटरी ड्रेनिंग का भी इशू आएगा। तो स्मार्ट चार्जिंग नाम का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, आपका जो बैटरी चार्जिंग वाला ऑप्शन है, मतलब जो जब आप लोग चार्ज कर रहे हो 100 हो गया तो ऑटोमेटिक जो पावर है वो कट होने लगता है। और अगर इतना सब कारनामे करने के बाद आपका बैटरी बैकअप नहीं बच रहा है तो सीधा एक ही बात, फ़ोन को ही पेड़ डालो, चेंज कर डालो। इससे क्या होगा, आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर पाओगे एंड आपका जो फ़ोन का जो बैटरी इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मस्त आपका फ़ोन चेंज कर सकते हो एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया अगर वो काम दिया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो काम का है या नहीं। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ गाइस, एक बात बताना भूल गया था, आज कोलकाता का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुका है, ठंडे की मौसम है, तो मेरे को तो एकदम मज़ा आ रहा है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।